वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। थैंक यू टू क्लिकिंग दिस वीडियो। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करें, सो उसका ये पहला वीडियो है। मैं आपके साथ इस पूरी सीरीज़ में 5 चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी, 5 ऐसे रूल, 5 ऐसी थिंग्स जो कि आपकी लाइफस्टाइल, आपके लाइफ को जीने के तरीके में आपके काम में आ सकती हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो कि आपको कभी भी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, यानी कि रश में कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो बिना देर गवाए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, ईट योर मील, यानी कि कभी भी जल्दबाजी में अपना खाना मत खाइए, फिर वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो या आपका इवनिंग स्नैक हो, कभी भी खाना खाते टाइम किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करिए। खाना हमेशा शांति से खाइए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम दिन भर 24 घंटे जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या हम पैसा कमाते हैं, वो सब कुछ हम किस चीज़ के लिए करते हैं? खाने के लिए। क्योंकि हमारी लाइफ का 80% जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें खाने से जुड़ी हैं। हम खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। सो उस चीज़ के लिए कह रही हूँ कि हमेशा जब भी आप कुछ खाएं तो शांति से, आराम से बैठकर खाएं, कभी भी जल्दबाजी ना करें। सेकंड है, किसी पर ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करने से मेरा सीधा सा मतलब है, आपके आसपास कोई भी हो, आप अपनी लाइफ में किसी पर भी ट्रस्ट करने में जल्दबाजी ना करें। कभी ये ना सोचें कि बिल्कुल 5 मिनट में आप किसी पर भी भरोसा कर लें, ट्रस्ट कर लें और बाद में आपको उस चीज़ को लेकर पछतावा हो। तो कभी भी ट्रस्ट करते टाइम किसी पर जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तीसरा है, किसी का कैरेक्टर जज करना। किसी के कैरेक्टर को जज करने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। आप, हो सकता है कि वो अच्छे कैरेक्टर का और आप उसे ख़राब समझ लें, या वो ख़राब कैरेक्टर का और आप उसे अच्छा समझ लें। तो कभी भी किसी के भी कैरेक्टर को जज करने से पहले 10 बार सोचें, आराम से उस बारे में बात करें, उसकी बारे में पता करें, उसके बाद ही किसी के कैरेक्टर को जज करें। फोर्थ है, फॉल इन लव। जी हाँ, आप किसी भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कोई आपका पार्टनर हो या फिर आपका कोई रिलेशनशिप हो, आपके कोई भी रिलेशनशिप, आपके आसपास कोई भी लोग हों जिनसे आप प्यार करते हैं या प्यार करना चाहते हैं, तो पहले शांति से उस बारे में सोचें कि वो आपके प्यार के, आपके, जैसे मैंने आपको इसके पहले कहा, ट्रस्ट के लायक है या नहीं। उसके बाद ही अपना डिसीज़न लें कि आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। कभी भी रश बिल्कुल भी। फिफ्थ और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और वो है, मेक बिग डिसीजंस। आप अपनी लाइफ में जब भी कोई बड़ा डिसीज़न लें, मेरे हिसाब से तो कोई भी डिसीज़न हो, क्योंकि जब आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो उसका असर आगे बहुत लंबा जाता है, फिर वो डिसीज़न बड़ा हो या छोटा हो। सो हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो थोड़ा सा सोच कर लें, जल्दबाजी में कभी भी कोई डिसीज़न ना लें। सो ये थे हमारे 5 ऐसे पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से आपको कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इन टॉप 5 जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, इनके अलावा अगर और भी कोई चीज़ें जो आपको लगती हैं कि जल्दबाजी में कभी भी नहीं करनी चाहिए, तो वो मैं आप मेरे साथ शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। वहाँ भी मुझे जाकर, मुझे और बाकी व्यूवर्स को पता चल जाएगा कि ऐसी और कौन सी चीज़ें जो आपको कभी भी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर याद से क्लिक कीजिए ताकि आपको अंकिता व्लॉग्स के सारे व्लॉग्स और वीडियोज़ टाइम पर मिल सके। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस के साथ और साथ ही साथ ढेर सारे दूसरे व्लॉग्स के साथ। सो तब तक के लिए।